आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज के मास न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के वाराणसी आजमगढ़ मंडल मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत कौशल जी। हम उनसे कुछ चीजें जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडल मीडिया प्रभारी जी हमारे इस के मास न्यूज स्टूडियो में। धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं, काफी चर्चाओं में संगठन आपका चल रहा है और अभी हाल ही में कई मार्केट में आपके बैनर लगे हुए हैं, होल्डिंग लग रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर जन जागरूकता रैली। ये कैसी रैली है और ये कैसी जागरूकता आपकी है? आपके माध्यम से मैं यहाँ पे जो के वास के श्रोतागण हैं या इनके सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने संगठन के बारे में थोड़ा सा, कि हमारा संगठन केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन 9 राज्यों में वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया है कि जन जागरूकता रैली 26 नवंबर को लेके, तो इसका मेन पर्पज ये है संविधान को हाईलाइट करना, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं भारत देश में सब संविधान से ही रिलेटेड है। कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत होती तो संविधान के ही दिशा निर्देश पे ही उसका निवारण होता है। तो हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है संविधान को हाईलाइट करना। जैसा कि 26 नवंबर को जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बना के कंप्लीट किया था इसको 26 नवंबर 1949 को, ये पूर्णतः संविधान बना था। उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये अपने भारत देश में लागू हुआ था। तो संविधान को हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसकी रैली निकालते हैं, जन जागरूकता करते हैं। हमारी रैली विगत 4 से 5 साल पहले से चल रही है। इस वर्ष हमारी प्लानिंग ये है कि आपके आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में संविधान रैली होगी, करीब 40 से 45 किलोमीटर रेंज की रैली होगी। बहुत सारी संख्या में लोग, बहुत बड़े संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और बाइक की रैली है यहाँ पे, आपके देवगांव से स्टार्ट होगी रैली और जाएगी सिटी शहर, आपके आजमगढ़ शहर तक। ये जो आप रैली निकाल के जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, ये आपका संगठन कितने राज्यों में काम कर रहा है या फिर आप यूपी में ही ये कार्य कर रहे हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा संगठन केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन 9 राज्यों में काम करता है। तो हमारे जहाँ भी 9 राज्यों में जो हमारी टीम है वो वहाँ पे संविधान दिवस अपने तरीके से मनाती है वहाँ। तो ये जो रैली का आपने प्रावधान बनाया है, आपके माध्यम से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो रैली का प्रावधान ये बनाए हुए हैं और जन जागरूकता का कार्य करते हैं, तो जो आप बताए हैं कि नहीं 40 से 45 किलोमीटर के रेंज में हमारी बाइक रैली है और भी आपने व्यवस्थाएं अभी अभी बताई हैं, तो उसमें क्या जागरूकता के तौर पे आप कैसे जागरूकता कर लेते हैं? ऐसे बाइक पे लोग बैठ के निकल लेते हैं, तो मुझे यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही है कि बाइक पे बैठ के निकलना और जागरूकता, ये कैसी जागरूकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 से 45 किलोमीटर दूर की रैली होती है हमारी, तो जब यहाँ पे लोग निकलते हैं बैनर लेके और सारी चीज़ें और भी व्यवस्थाएं होती हैं, तो जहाँ पे जो भी मार्केट पड़ती है वहाँ पे रुकते हैं, उनके साथ वहाँ पे कुछ वार्ताएं होती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, एक मीटिंग का प्रोसेस भी होता है। तो ऐसे स्टेप बाई स्टेप रैली आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी पे बैठे और बैनर लगाए और चले गए वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। बीच में जो भी मार्केट आती है, जो भी गाँव पड़ते हैं, वहाँ पे हम रुकते हैं, उनको संविधान के बारे में कुछ संदेश देते हैं, उनको संविधान के बारे में बताते हुए और फिर आगे हम बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताइए कि आप कौन सी बातों को लेके आप जागरूक लोगों को करते हैं, क्या आप बताते हैं संविधान के बारे में, कैसी जागरूकता आप लाते हैं उनके अंदर? जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों का उनके सामने जब आती है तो वो हिचकते हैं या उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
तो हम ज़्यादातर उनको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सारी चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करते हैं कि ये आपका कर्तव्य भी है, आपके संविधान के प्रति जो आपको मिला है, ठीक है। हम उनको बहुत सारी जानकारियाँ संविधान के बारे में उनको देते हैं। रैली को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आजमगढ़ की जनता को है, मेरा ये संदेश है यहाँ पे 26 नवंबर को संविधान जन जागरूकता रैली का आयोजन केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन द्वारा किया गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग भारी से भारी संख्या में इसमें भाग लेके इस संविधान जन जागरूकता रैली को सफल बनाए। बस यही मेरा यहाँ की जनता से निवेदन भी है और मेरी यही संगठन का यही उद्देश्य भी है कि आप भारी से भारी संख्या में इस रैली में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्टूडियो में आने के लिए। आप देख रहे थे केमास न्यूज़।